जय जय श्री राधे। प्रभु की अपार इच्छा से आज निर्जला एकादशी पे पंचवटी परिवार ने तपती धूप में हजारों रागीरों को यहाँ पे मीठे शरबत के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया। और निश्चित ही जब प्रभु की कृपा जिस पे होती है तो वो आयोजन बढ़ चढ़ के होते हैं। पंचवटी परिवार द्वारा आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने सर्वप्रथम पूजा अर्चना करके कन्या को, कन्या का आशीर्वाद लिया। और कन्या का जब आशीर्वाद होता है, माता खुद जब प्रसन्न हो जाती है तो सभी देवता उसी में वास करते हैं। आज के दिन की हम सभी लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामना करते हैं। खुश रहें, धनहानि से, सुख समृद्धि से, निरोगी काया मिले, ऐसी पंचवटी परिवार कामना करता है। ठीक है, हाँ धर्मेंद्र भाई, आज हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी सारी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसका चलन भीम के ज़माने से चलता आया है। और हम उसी उपलक्ष्य में लोगों के लिए हलवा, कोमरी और ठंडा पेयजल, रूअफजा का ये सब व्यवस्था कर रहे हैं ताकि सब समाज में अच्छा सौंदर्य रहे और बढ़िया पंचवटी का, जैसे यहाँ के लोग स्वच्छ लोग हैं, स्वच्छता के साथ आम पब्लिक के लिए सब आयोजन करते हैं और करते रहेंगे। नाम बताइए। सोनल पडोला नाम है मेरा। आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पे हमने, पंचवटी वालों ने, एक छोटा सा जल प्रसाद का और हलवा चने का भोग लगाया है, प्रसाद का वितरण किया, हजारों लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे हमने अच्छे से मनाया है और सभी लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिया है। और जैसे हमारे यहाँ पे सुख शांति और बना है, भगवान करे सबके यहाँ पे अच्छे मनोकामना पूर्ण करे आज के दिन। वैसे तो 12 महीने एकादशी होती है, लेकिन आज की एकादशी जो है निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी, पावन एकादशी मानी जाती है। पंचवटी परिवार की तरफ से यहाँ पर जल प्रसाद भंडारे का, चने हलवे का भोग लगाया गया है, सारे राहगीरों को पिलाया गया है, दिया गया है। और इस अवसर पर हम सबसे यही मनोकामना ईश्वर से करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सब निरोगी दीर्घायु हों और इसी प्रकार पंचवटी परिवार पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे।